संविदा मीटर रीडर की एक मीटिंग अंबेडकर पार्क सिविल लाइन में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता सैयद नौमान अली ने की। बैठक में मुख्य रूप से वेतन विसंगति का मुद्दा रहा, जिसमें मूल वेतन 11,300 रुपए का नहीं मिलना एवं ईपीएफ एवं ईएसआईसी की मूलभूत सुविधाओं का पूर्ण लाभ कर्मचारियों को नहीं मिलने पर चर्चा की गई और आने वाले विद्युत कर्मचारी मोर्चा संगठन के अधिवेशन में प्रतिभाग को लेकर रणनीति बनाई गई कि किस प्रकार अधिवेशन को सफल बनाया जाए ताकि संविदा विद्युत कर्मचारियों की आवाज़ को सरकार तक पहुंचाया जा सके। इस बैठक में सैयद नौमान अली, धीरज तोमर, मोहम्मद नावेद, योगेश पाठक, मोहम्मद कायम, राम मूर्ति दुबे, गुलजार अली, अनवार उलहक आदि साथी मौजूद रहे। ये हमारा विद्युत कर्मचारी मोर्चा संगठन की एक बैठक संपन्न करी हमने आज यहाँ अम्बेडकर पार्क सिविल लाइन में। हमारा 7-8 मार्च को लखनऊ में अधिवेशन है विद्युत कर्मचारी मोर्चा संगठन का, तो हमने उसके लिए भी करी है। और जो हमारा वेतन है मीटर रीडरों का वो 11,500 रुपये आता है ऊपर से, लेकिन यहाँ पे हमें 7,000-6,000 रुपये मिलता है सबको। और हम उसमें ये चाहते हैं कि जो कट कटा के पी एफ ESI वगैरह कट के 9,400 रुपये है वो हमारा वेतन हमें मिले, और जो नेट का जो खर्चा होता है, जो हमारे मोबाइल में नेट चलता है जिससे हम बिलिंग करते हैं या प्रो बिलिंग करते हैं, वो हमें कंपनी दे, कंपनी देती है, हमें अपनी जेब से ही करना पड़ता है सर। कितने समय से वेतन मिला आपका? करीब अभी 2 महीने का वेतन अभी बाकी है मीटर रीडरों का और कैश काउंटर वालों जो।